हमारे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं पके केले के छिलके की सब्जी। हाँ, आपने सही सुना, मैंने यही खाया, पके केलों के छिलकों की सब्जी। छिलकों में बहुत पोषक तत्व होते हैं और स्पेशली पके केले के छिलके तो बहुत फायदेमंद होते हैं और कई बीमारियों में भी इनका उपयोग होता है। इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी सब्जी, जो टेस्टी भी है और औषधीय गुणों से भरपूर भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं केले के छिलके की सब्जी, पके केलों के छिलकों की सब्जी, जो बहुत अच्छी होती है, बहुत पौष्टिक होती है। केले में जितना पौष्टिक तत्व होता है उतना ही इसके छिलकों में होता है। इवन ये छिलके कई बीमारियों में भी काम आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अच्छे वाले, बिल्कुल देखिए कितने साफ सुथरे केले लेने, देखिए ये, और इनको हमें पूरे एक साबुत केलों को ही बहुत अच्छे से धो लेना है। हमें इनको धोना है, मैंने इनको पहले से धो लिया है। अब इसे गर्म पानी से बढ़िया इसे हम धो लेंगे, उसके बाद इन छिलकों को, इन केलों को तो हम अब खाने में या किसी भी काम में ले सकते हैं, और छिलकों को हम इसकी सब्जी के लिए उपयोग में लाएंगे। इसको ये केले छील लिए, फिर उसके जैसे नीचे का ये काला है, ये ऊपर वाला जैसे ये डंठल है, ये इस तरह के ऊपर नीचे के हिस्से हैं ना, अब जैसे कहीं से ये साफ है इतना, ये इतना सा काला, ये बीच में से भी कहीं अगर आपको काला दिखे या कुछ हो, ये ऐसा है। इन सबको निकाल लेते हैं और हमें इसके छोटे छोटे मीडियम साइज़ के ऐसे ऐसे हम इसके टुकड़े कर लेंगे। बस इस तरह से हम सारे, ये देखिए हमारे, ये हमारे केले, मैंने ऐसे टुकड़े करके इनको तैयार कर लिया है मैंने। और 3 किलो के एक छिलके, बड़े बड़े केले, 3 केले थे जिनके छिलकों के साथ मैंने ये आधी कटोरी बेसन लिया है, हरी मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, लाल मिर्च और हल्दी, और ये हमारे पास नमक है। अब हम गैस ऑन करेंगे और हमें कढ़ाई में तेल डालना है। मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप इस, मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, सामान्य मूंगफली का तेल जो आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर वो भी ले सकते हैं और सरसों का भी ले सकते हैं। सरसों के तेल में ये ज़्यादा टेस्टी लगती है, वैसे भी बहुत अच्छी बनेगा, मूंगफली के तेल में बनाएंगे तब भी वे उतनी ही बढ़िया बनेगी। ये तेल गर्म हो रहा है, ये तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें मैंने जीरा डाला है 1/4 चम्मच, सौंफ, इतना ही अजवाइन, और मैंने साथ में डाली है चुटकी भर हींग, क्योंकि हम बेसन डाल रहे हैं इसमें और हींग तो ज़रूरी है, हींग और अजवाइन। ये मैंने डाली है हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, तीखा जितना ज़्यादा या कम आप खाना चाहते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी, धनिया, धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, और लाल मिर्च आप कितना तीखा पसंद करते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च डालिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च अब नहीं डालूँगी। अब मैं इसमें ये छिलके डाल दे रही हूँ और साथ में डालूँगी ये नमक, नमक अपने स्वादानुसार जितना ज़्यादा कम आप खाते हैं। बस अब मैं इसे हिला लेती हूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक टिप और है, ये सब्जी, ये जैसे मैंने अभी जो बना रही हूँ, बस इसको ही 5 मिनट, आप 5 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे, 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगी, इसे आप बना सकते हैं बिना बेसन के, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, पर मैं आज आपको बेसन वाली बताऊँगी। बस ये हो गया ना, 2 मिनट इसको ढक के को भाप लगा देंगे तो ये तैयार हो जाएगी, पर मैं आज इसमें बेसन डालूंगी, इसलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा गलने देती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई। अगर आपको बिना बेसन की पसंद करते हैं तो ये हमारी तैयार हो गई है, लेकिन क्योंकि मैं बेसन डाल रही हूँ तब इसमें मैंने बेसन डाल देना है।
से मैं अच्छे से हिला लेती हूँ ताकि ये बेसन भी थोड़ा भुन जाए इसके साथ साथ। बेसन की मात्रा आप ज़्यादा कम अपनी पसंद से कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दिया और आँच धीमी करके मैंने इसे ढक के रख दिया। अब ये धीमी आँच पे हो जाएगा। अब हम इसे देखेंगे कि हमारी सब्जी की क्या स्थिति थी। देखिए बहुत अच्छी बन रही है। इस स्टेज पे मैं इसके चारों तरफ सिर्फ एक चम्मच तेल में ज़रा सा किनारों किनारों पे मुझे डालना है, ये इतना सा। इससे क्या चमक भी आ जाती है और सब्जी अच्छी हो जाती है एकदम, क्योंकि बेसन वाली सब्जी में, ये भी मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, बेसन वाली जिन सब्जियों में आप बेसन डालते हैं उनमें पहले आप कितने ही रखें छौंक में, लेकिन जब वो बनने आ जाए तब थोड़ा सा साइडों में डाल देना चाहिए, उससे वो बहुत अच्छी बन जाती है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और ये मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। और अगर नींबू उपलब्ध नहीं है मान लीजिए उस वक्त घर में, तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी उतना ही बढ़िया लगता है। कोई भी खटाई, नींबू का नींबू है, अमचूर पाउडर है, इमली का पाउडर है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसको मैं 2 मिनट और होने देती हूँ। बस हमारा बेसन भी हो गया है, ये सब्जी हमारी तैयार है, बस 2 मिनट की बात। ये देखिए 2-3 मिनट इसको और हो गए हैं और ये हमारी सब्जी देखिए कैसी कढ़ाई छोड़ दी और कितनी बढ़िया ये बन गई है। बस ये हमारी तैयार है। अब हम इसे अब इसमें हम धनिया, हरा धनिया हम इसमें डाल देते हैं और ये धनिया डाल के मैंने इसे हिला दिया है। देखिए ग्रीन कलर के साथ कितना सुंदर लग रहा है। बस अब हम इसे परोसने के लिए हमारी तैयार है। लीजिए हमारी पके केले के छिलकों की सब्जी तैयार है। बेसन वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे तो यूँ नाश्ते की तरह यूँ ही खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और बस हमारा चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और लाइक और कमेंट्स भी दीजिए, शेयर भी करिए, ताकि आपको रोज़ इस तरह तक की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ मिलती रहें।